हमारी सालों साल साथ देने वाली लाइट है, एक बार जल्दी से चेक कर लेता हूँ। बा जरा ये चक के देखो ने कि इसमें मीठा ठीक पड़ा है कि नहीं। अब सब तू ही देखती है तो तू ही देख, मेरी कहाँ कोई सुनता है। अब वैसे पापा इस बार दिवाली की तैयारियों में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आजकल सब तेरी माँ अकेले अकेले कर रही है, तो वो बेचारा क्या करेगा। मैंने मामा जी को कॉल किया, वो कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने उन्हें रिमाइंड कराया कि मैं आपकी नहीं बापूजी की तबीयत के बारे में बात कर रहा हूँ। बापूजी कल घर आ रहे हैं। अरे वाह, मैं तो ना वेलकम बापूजी की रंगोली भी बनाऊंगी। और तेरी माँ मेरे बेटे के लिए नॉट वेलकम की रंगोली बनाएगी। मम्मी मम्मी, अब बा को सच बता क्यों नहीं देती? उनके इतने ताने सुनने की क्या जरूरत है, आप सच बता दीजिए ना। मैं सच और बापूजी के बीच में खड़ी हूँ समर, अगर मैं हट गई ने तो सच तीर बन के बा और बापूजी के सीने में जा लगेगा। उनका अपनी परवरिश पर से भरोसा उठ जाएगा। अब तो इसे मेरी कमजोरी समझ या मेरे संस्कार, मैं इस हालत में बापूजी को जरा भी सदमा नहीं लगने दे सकती हूँ। कहना बहुत आसान है कि जाके सब कुछ सच बता दो, पर तू सोच ले अगर बापूजी को इस समय कुछ भी पता चल गया तो क्या होगा। अब तू मुझे कमजोर समझता है तो समझ, मैं सच नहीं बताऊंगी। नहीं मम्मी, चोट लगने पे चिल्लाना कमजोरी होती है, चोट लगने पे मुस्कुराते रहना रियल स्ट्रेंथ है, और आप तो रियल सुपर हीरो है। मम्मी, ये दिवाली थोड़ी अजीब लग रही है ना? अजीब नहीं, अलग। ये दिवाली मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि इस बार मैंने एक नई शुरुआत का दिया जला है। Oh my God! क्या हुआ? मम्मी ये हैप्पी दिवाली तो हैप्पी होती नजर आ रही है। क्या हुआ? आपने जो ट्रायल क्लासेस ली थी ना, हाँ, उन ट्रायल क्लासेस में 5 बच्चे इंप्रेस होकर आपकी डांस क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। सच? Yes, rockstar. मम्मी, आपकी क्लास में ना 5 नहीं 50 स्टूडेंट्स होने चाहिए। एक पेड़ भी तो एक छोटे से बीज से शुरू होता है। आज 5 है, 50 भी आई जाएंगे, पर एक हो, 5 हो या 50, मैं उन्हें पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से सिखाऊंगी। हाँ गाइस गाइस गाइस, मम्मी ने जो ट्रायल क्लासेस ली थी उसमें से 5 बच्चे मम्मी की डांस क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। अब मेरी मम्मी प्रोफेशनल डांस टीचर है, प्रॉपर सेल्फ एम्प्लॉयड। देखा भाई, मैंने कहा था ना। वाह मम्मी, सुबह कार और शाम को करियर, वेल डन। थैंक यू पापा। मम्मी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ये क्लासेस मेरे घर पे नहीं होंगे, सुन लिया ना? ये नाच गाना वनराज शाह के घर पे नहीं होगा, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा लाडला नचनिया बेटा इस घर में नहीं रहेगा। मैं समर को घर से बाहर निकाल दूंगा। वैसे भी वो मुझसे रिश्ता तो तोड़ ही चुका है, और जब रिश्ता तोड़ ही चुका है तो इस घर में रहने की क्या जरूरत है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। इस छत के नीचे दोनों में से एक रहेगा, या तो तुम्हारी डांस क्लास
या तुम्हारा बेटा। मैं जानता हूं तुम वो माँ हो जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान दे सकती हो, तो यह डांस क्लास क्या चीज है? मम्मी बा कूल डूड आ गए। ये सब मेरे लिए? हाँ, क्योंकि जब नारद मुनि वनवास काटकर घर लौटे थे तब उनका स्वागत इसी तरह किया गया था। मेरे यादों की बारात, वो श्री राम जी थे और मैं तेरा जीजा हूँ। हाँ, पर मेरे लिए तो मेरे राम जी आप ही है। धनतेरस वाले दिन बापूजी ठीक होके घर आ गए, इससे बड़ा धन, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती। आइए बापूजी। मेरी रीना रॉय, निरुपा रॉय की तरह रो क्यों रही हो? अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अगर आप ठीक ना होते ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होता। तेरे प्यार में भी धमकी है। हाँ। एक बात कहूँ लीला, हॉस्पिटल की शांति में मुझे एहसास हुआ कि मेरा सुख तो तेरी किटकिट में ही है। वही तो, मैं क्या, हर पत्नी अपने पति के बिना अधूरी होती है। सही कह रही हैं अब्बा। बापूजी, सुखिला हो, सुखिला। ये अब क्या करें बापूजी? थैंक यू कह रहा हूं, मेरी जीवन रेखा को थोड़ी और लंबी करने के लिए थैंक यू। ऐसा मत कहिए बापूजी, आप बिल्कुल भी थैंक यू नहीं बोलेंगे। आप सॉरी, वो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि रिश्तेदारी में कुछ उसूल होते हैं। नो सॉरी नो थैंक यू। अरे मामा बड़ी, वो रिश्तेदारी में नहीं होता है, वो दोस्ती में होता है। आई नो, मैंने रिमेम्बर से, ये तो क्या कि सिचुएशन देखकर मैंने डायलॉग बदल डाले। चलो बापूजी को आराम करने देते हैं। आइए मिलकर। भाभी, आई एम सॉरी भाभी, मुझे ये बात पता थी पर मैंने आपसे छुपाई। बात छुपाई जाती है संजय भाई, आग नहीं छुपाई जाती। मेरे घर में आग लगी हुई थी और आपने मुझे बताया तक नहीं। मुझे लगा था मैं वनराज भाई को रोक लूंगा, उन्हें समझा लूंगा,
मैंने उनसे बात भी की थी, पर काश ये बात आपने मुझसे की होती। जब काटा पैर में चुभता है ना तो दर्द होता है, पर अगर पहले से कोई बता दे के आगे रास्ते में काटे हैं तो इंसान दर्द के लिए तैयार हो जाता है। आप भी अगर मुझे सच बता देते तो मैं इस दर्द के लिए तैयार रहती। हो सके तो अपने इस भाई को माफ कर दीजिएगा भाभी। भाई माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते, नहीं समझे भाई? आज त्योहार का दिन है, मन छोटा मत कीजिए।